तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुनो वैभव को। आज हम डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि एक एनिमे सीरीज है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहानी की बात करें तो इसमें हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है वॉन्ग लिंग, जो कि काफी यूनिक लड़का रहता है। वो बचपन से ही काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। जब वो जन्म लेता है ना, तभी उसके अंदर काफी ज्यादा शक्ति आ जाती है, जिसके बाद जो उसकी जिंदगी है ना, वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती है। और जो भी उसके पास आता रहता है ना, वो उससे दूर भागने लगता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा शक्ति होती है ना, जो कि किसी को भी डिस्टर्ब कर सकती है और पूरा दुनिया तबाह कर सकती है। जिसको अवॉइड करने के लिए ना, वॉन्ग लिंग किसी से ज्यादा बात नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो एक स्कूल में जाता है ना, वहाँ उसको एक लड़की मिलती है और उसके कुछ दोस्त बनते हैं, जिसके बाद उसके लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। जिसके बाद वॉन्ग लिंग कैसे इन चीजों को डील करता है और उसके साथ क्या क्या चीजें होती है ना, ये सब चीज जानने के लिए और देखने के लिए आपको इस सीरीज को पूरा देखना पड़ेगा। ये सीरीज एक काफी अलग यूनिक तरह की सीरीज है, जिसमें आपको पावरफुल कैरेक्टर्स उतने ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अपना मेन लीड कैरेक्टर है ना, उसकी जितनी पावर है ना, वो एक पूरी पृथ्वी को डिस्टर्ब कर सकती है, बल्कि जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग है ना, यानी कि धरती से बाहर के भी जो लोग है ना, उनको भी वो डिस्ट्रक्ट कर सकती है। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन अभी तक आए हैं, जिनका पहला सीजन जो है वो हिंदी में अवेलेबल है, जिसमें टोटल 15 एपिसोड है, जो मैंने पहला सीजन देखा है, जिसका ये रिव्यू है। जिसकी जो एनिमेशन की जो क्वालिटी है ना, वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट है, और जो इसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए ना, वो भी काफी ज्यादा लाइकेबल है। हीरो का कैरेक्टर तो काफी ज्यादा शाय है और काफी ज्यादा यूनिक है ही, लेकिन जो उसके दोस्त है ना, यानी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जो कि अपनी सनरैंग है, जिसको अपना वॉन्ग लिंग काफी ज्यादा पसंद करता है, और उसके वजह से उसके लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। बात करें और भी अदर कैरेक्टर्स की ना, जो कि वो उसके दोस्त हैं, जो कि है चिन चाओ, फिर फ्रॉगी टू, और फ्रॉगी टू जो है वो काफी बड़ा विलन होता है, जिसको जो अपना हीरो है यानी कि वॉन्ग लिंग है ना, अपने पावर से छोटा करके उसको एक डॉग में बदल देता है। जिसके बाद उसका एक और दोस्त है गन हाओ, जो कि काफी ज्यादा नोटोरियस और काफी ज्यादा थोड़ा डरा हुआ कैरेक्टर है, जिसको वॉन्ग लिंग बार बार बचाया करता है। इस सीरीज में हमको 2-3 विलन्स भी दिखाए गए, जिनके पावर जो है वो थोड़ी स्ट्रांग है, थोड़ी बेवकूफ जैसा लग सकता है तुमको, लेकिन जो मेन विलन है ना, उसकी थोड़ी बहुत शक्तियां अच्छी खासी टिक जाती हैं अपने हीरो के सामने, लेकिन एंड में जो चीजें होती हैं ना, उसके बाद सारी चीजें बदल जाती हैं। वो जो तुम देखोगे ना लास्ट वाला एपिसोड, उसको देखते यार तुम पागल ही हो जाओगे। इसमें हमको लास्ट एपिसोड में थोड़ा टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा और टाइम रिवर्स वाली चीजें भी देखने को मिलेंगी, जो कि तुमको हो सकता है काफी ज्यादा पसंद आ जाए। इस सीरीज की जो हिंदी डबिंग की गई है ना, वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट है, जिसको सुन के तुम काफी ज्यादा अच्छा फील करोगे। इस सीरीज की जो सिनेमेटोग्राफी है ना, वो भी काफी सीन्स में अच्छी दिखती है, लेकिन अगर इसको ये थोड़ा और भी ठीक करेंगे ना, यानी कि सीजन 2 में, तो और ज्यादा अच्छा होगा। इसमें तुमको काफी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और काफी अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि तुम्हारे सीरीज में पूरा हुक बनाए रखेगा। सबसे जरूरी बात, आप ये सीरीज फैमिली के साथ देख सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि इसमें कुछ भी उल्टा सुलटा सीन्स नहीं है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छी ड्रामा रोमांटिक सीरीज है, जिसको तुम एंजॉय करो पूरे मन से, ये तुमको काफी ज्यादा पसंद आएगी, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो बिना किसी टेंशन का इसके मजे लेना। और मुझे जरूर बता देना कि तुमको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बहुत अच्छी लग जाना तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।